किसान साथियों, आज का वीडियो विशेष होने वाला है उन किसान साथियों के लिए जिनके पास पर्याप्त जमीन है पर पानी नहीं है, खेती करना चाहते हैं पर मानव श्रम नहीं है, और साथ ही साथ मोटा खर्चा भी नहीं करना चाहते पर पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेतीरी तकनीक, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी नवाचारी कृषि तकनीकें, ऐसी जानकारियां सीधे किसानों के खेतों से, जो देती है आपकी खेती और किसानी को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक ऊर्जा। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी वानिकी बागवानी कृषि के खेत में, जो वास्तव में अपने आप में एक अनूठा और नवाचारी प्रयोग है किसान की ओर से। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी भी इस नवाचारी बागवानी वानिकी जानकारी का लाभ उठा सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल खेतीरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी एवं बागवानी वानिकी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के ग्राम रघुनाथपुरा में, जहाँ नवाचारी युवा किसान दीपचंद जी यादव ने अपने लगभग 2 हेक्टेयर के खेत में अरडू की फसल लगाई है। अरडू जो न किसी प्रकार का फल देता है और न किसी प्रकार का फूल देता है, पर जो किसान साथी कम पानी में, कम खर्चे में, कम मेहनत में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, उनके लिए अरडू की खेती भी अपने आप में एक वरदान साबित हो सकती है। आइए आपको मिला देते हैं युवा किसान दीपचंद जी यादव से और जान लेते हैं कि किस प्रेरणा से उन्होंने ये अरडू की खेती करने की सोची, और ये पेड़ कहाँ से लेके आए हैं, किस प्रकार से ये इनका रोपण कर रहे हैं, कितने साल में इसका आपको प्रोडक्शन मिलेगा, क्या फायदे हैं, ताकि आप भी अगर इस प्रकार की खेती के बारे में विचार बना रहे हैं तो आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। आइए मिलवा देते हैं नवाचारी किसान दीपचंद जी से और जान लेते हैं अरडू की खेती के पीछे क्या राज है, किस प्रेरणा से इन्होंने इस खेती को चुना है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। दीपचंद जी, आजकल किसान बागवानी में बहुत रुचि ले रहे हैं, फल वाले पौधे लगा रहे हैं, फूल वाले पौधे लगा रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में विजिट किया है, कोई आंवला लगा रहा है, नींबू लगा रहा है, अमरूद लगा रहा है, थाई बेर लगा रहा है, एप्पल की भी अपने यहाँ कई लोग खेती कर रहे हैं, पर आपने एक विशेष प्रकार की वानिकी बागवानी की फसल चुनी है अरडू, जो न किसी प्रकार का फल देता है न किसी प्रकार का फूल देता है। ये खेती आप अरडू की कर रहे हैं, तो इसको चुनने का मुख्य कारण क्या है, कि किस कारण से आपने इस अरडू की खेती को चुना? देखिए सर, इसमें एक तो बेगार कम है, मेहनत कम है। अच्छा, मेहनत कम एक तो। एक पानी कम में भी हो जाता है। जी जी। और जिस साल दो साल पानी देने के बाद में इसको पानी देने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, साल डेढ़ साल के बाद में एक बार पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए तो पानी की जरूरत भी नहीं रहेगी। जी, बहुत अच्छी बात। और इससे जो पत्ते होते हैं तो वो पत्ते बिक जाते हैं इसके, तीन साल में 200-300 रुपए पेड़ के पत्ते बिक जाते। जी जी। और अपने न भी बिक पाए तो अपन पशुओं को डालेंगे तो कम से कम 4-5 रुपए किलो का चारा बचेगा आपने। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा दीपचंद जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने पेड़ लगभग कितने एरिया में लगाए हैं? ये 2 हेक्टेयर जमीन में। 2 हेक्टेयर जमीन में कितने पौधे लगा दिए? 1150। पौधों की दूरी क्या रख रहे हैं आप? 13x13 13 फीट दूरी रख रहे हैं पौधे की, और लाइन की दूरी क्या है? लाइन की दूरी 13x13 लाइन की दूरी भी 13 फीट ही है। अच्छा, आपने जो खड्डा तैयार किया है, खड्डा तैयार करने में कौन सी कोई खाद विशेष डाली है इसमें? खाद तो वही साधारण खाद, जैसे गोबर की खाद डाल दे, जैसे बकरी की मेंगनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, अपन जैसे मुर्गे की भेट भी डाल सकते हैं, जो भी अपने पास उपलब्ध हो वो। अच्छा, डाल सकते। इसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर जो अपने दुकान से बाजार से खरीदते हैं या केमिकलों की जरूरत पड़ेगी क्या? वैसे तो इसमें कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में दीमक के लिए आपको वो दीमक की दवाई देनी पड़ेगी, आप जैसे कलोरो दे दो, इमेडा दे दो, जो भी आपके पास उपलब्ध। जी जी जी। कितने दिनों के बाद रिपीट करें इसको? इसके कम से कम पेड़ लगाने के 15 दिन बाद में आप दवाई दे सकते हैं। जी, तो आप इस पे किसी प्रकार का सरकारी अनुदान ले रहे हैं या अपने? नहीं नहीं, अपने बेस पे कोई अनुदान नहीं। अच्छा, आपके बेस पे खरीदा है आपने। ये जो ड्रिप लाइन बिछाई है, ये भी सिंचाई के लिए अनुदान पे लिए या? ये तो अनुदान पे है। अनुदान पे। हाँ। किसान साथी ध्यान दे, बागवानी में अगर आप ड्रिप इरीगेशन वगैरह लगा रहे हैं तो राज्य सरकार की ओर से आपको अनुदान दे है। अच्छा दीपचंद जी, अपने किसान साथियों को ये भी बताए कि आपने जो ये अरडू की पौध खरीदी है कहाँ से खरीदी है? ये वन विभाग पौधशाला से खरीदी है। अच्छा, वन विभाग की पौधशाला से आपको उपलब्ध हो गई। कितने रुपए का पेड़ पड़ रहा है लगभग? मात्र 8 रुपए में मिलता है। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, केवल 8 रुपए की लागत में
दीपचंद जी ने ये पौध खरीदी है, और जो भी किसान साथी अरडू की पौध खरीदना चाहते हैं वो अपने नजदीकी राजकीय जो नर्सरियां हैं, वन विभाग की नर्सरियां हैं, वहां संपर्क कर सकते हैं। दीपचंद जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बता दीजिए कि भाई ये जो आपका अरडू है लगभग कितने दिनों के बाद पत्ते का प्रोडक्शन देने लग जाएगा? दो या तीन साल के बाद में इसकी अगर आप जिसे कटाई करेंगे या बेचना हो आपको तो हाँ। इसकी जो लकड़ी के लिए अगर आप इसको बेचोगे तो कितने दिनों में ये लकड़ी तैयार हो जाएगी? 10 साल में तैयार हो जाएगी। अच्छा, 10 साल में। 10 साल में एक पेड़ कम से कम 12,000 रुपए देगा। 12,000 रुपए देगा। कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? 11,500। तो कुल मिला के आपको अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अच्छा, आपने, मैं देख पा रहा हूँ खेत में दूसरी फसल भी लगा रखी है। हाँ बिल्कुल, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत थोड़ी रहेगी इसमें? दिक्कत नहीं रहेगी। तो जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब भी फसल में कोई दिक्कत रहेगी? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ लोगों का कहना है कि जो अरडू की फसल होती है उसके जो अरडू का पेड़ होता है उसके नीचे फसल लगने में थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फसल उस हिसाब से लगाओ, जैसे भाई अपने जैसे गेहूं नहीं हो तो दूसरी फसल लगा दो। जी जी जी। अच्छा, एक कम हाइट वाली लगा सकते हैं अपने इसमें फसल? अच्छा, कम हाइट वाली नहीं, अभी तो जैसे पेड़ छोटे हैं आप कम हाइट वाली फसल लगा देंगे, बड़े होने के बाद में अपन जैसे गेहूं है, बाजरा है, ये भी लगा सकते हैं? नहीं, इसमें मेथी वगैरह लग सकती है। अच्छा, बाकी बाजरा भी लग सकता है, गेहूं में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। अच्छा, गेहूं में दिक्कत आती है, सर्दी का मौसम रहता है तो छांव से थोड़ी। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, दीपचंद जी का कहना है कि जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो छाया में गेहूं की फसल है, जो की फसल है थोड़ी दिक्कत देती है, तो उन फसलों का चयन करें जो छांव से या सर्दी से ज्यादा प्रभावित ना हो। या दीपचंद जी कह रहे हैं कि भाई जो कम हाइट वाली फसलें हैं वो भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। तो दीपचंद जी, एक चीज बताइए, आपने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल करवा रखा है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने खेत में फार्म पौंड खुदवा रखा है, तो फार्म पौंड के लिए आपको राज्य सरकार से अनुदान लिया है? अनुदान लिया है। तो इस जो आपकी 2 हेक्टेयर की जो अरडू की आप फसल लगा रहे हैं, इसकी पूरी की सिंचाई इसे फार्म पौंड से करेंगे या और भी कोई विकल्प आपके पास? नहीं, आराम से फार्म पौंड से इनकी सिंचाई भी हो जाएगी, इसके अलावा फसल की भी सिंचाई। अच्छा, फसल की भी सिंचाई हो जाएगी इसी फार्म पौंड से हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात। तो दीपचंद जी, हमारे किसान साथियों को भी इस अरडू की फसल के लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, विशेष मैसेज तो ये है कि जहाँ पे पानी की कमी हो जी वहाँ पे भी सक्सेस होता है, जहाँ पे लेबर की कमी हो, लेबर की व्यवस्था नहीं हो, किसान के पास से कोई आदमी की व्यवस्था नहीं हो, तो वो ये खेती आराम से कर सकता है। दीपचंद जी का कहना है कि जिन किसान साथियों के पास पानी की कमी है, लेबर की, मानव श्रम की कमी है, जो इसके लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते, वो लोग भी इस खेती को कर सकते हैं। इसमें केवल 1 से 1.5 साल के लिए आपको पानी की जरूरत रहेगी, इसके बाद आपको किसी प्रकार का खाद, दवाई या अन्य किसी खर्चे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन भी किसान साथियों के पास जमीन पर्याप्त है, परती जमीने हैं, पानी कम है, खर्चा कम करना चाहते हैं, देख रेख के लिए मानव श्रम नहीं है, तो वो किसान साथी अरडू की खेती का विकल्प चुन सकते हैं। निश्चित तौर पर यह आपको 1 से 1.5 साल के बाद में आपके पत्तों के चारे के रूप में प्रोडक्शन देगी। 8 से 10 साल के बाद आप इसकी लकड़ी जो पेड़ है उसको भी अच्छे से बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, बनाने के लिए अरडू की लकड़ी का विशेष मांग रख रही है, तो आपको इसकी लकड़ी बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर आप अरडू की खेती के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारे किसान साथी दीपचंद जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे संपर्क करके अन्य जानकारियां ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमें लिखकर अपनी समस्याओं का समाधान या इसकी खेती के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नवाचारी कृषि तकनीक को लेकर जो आपको खेती के नवाचारी तरीकों का अनुभव देगी और आप एक बेहतर और सफल सशक्त किसान बन पाएंगे। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम साहब।